वाहन चलाते समय दूर रखे नशा और रफ्तार, जिंदगी मिलती है सिर्फ एक बार। मध्य प्रदेश की रायसेन पुलिस ने सड़क हादसे में कमी लाने के लिए एक अनोखा प्रयोग जन जागरूकता के लिए किया है। पुलिस का यह अनोखा प्रयोग तेज रफ्तार और नशे की हालत में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए है। दरअसल रायसेन जिले के बमहोरी थाना क्षेत्र के एक कार सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जिसका चालक शराब के नशे में कार को चला रहा था। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रायसेन पुलिस ने सड़क हादसे में शिकार हुई दुर्घटनाग्रस्त कार को एक तिराहे पर डेमो के रूप में रख दिया है। दुर्घटनाग्रस्त कार वाहन चालकों को सबक सिखाने का काम कर रही है। बीते कुछ महीनों में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने यह पहल शुरू की है, जिससे आने वाले दिनों में सड़क हादसों में कमी आ सके। रायसेन जिले में जब हमने एक्सीडेंट का डाटा एनालिसिस किया तो हमने पाया कि विगत 2 माह में हमारे रायसेन जिले में एक्सीडेंट की घटनाओं में वृद्धि हुई है और एक्सीडेंट में मृत्यु भी होना पाया गया है और मृत्यु दर भी बढ़ी है। तो हम चाहते थे कि ये एक्सीडेंट कम हो और एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु में भी कमी आए। हमने लोगों को अलग अलग तरीके से, कई बार उनका चालान बनाकर, कई बार उनको समझाइश देकर, अलग अलग तरीके से लोगों से ये संदेश दिया कि साहब तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। लेकिन मुझे लगा कि इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितना किसी को एक वस्तु चित्र सामने देख के होता है। ये मेरे दिल में आया कि हमको सीधा डेमो दिखाना चाहिए जो आदमी के एकदम दिल पे जाए। कई बार जब हमने कारणों का एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि जिस गाड़ी में लोगों की मृत्यु हुई है वो ड्राइवर स्वयं भी शराब पीकर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। आमतौर पे पाया जाता है कि सामने वाली गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि जिसमें स्वयं ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा है, वो गाड़ी किसी खंभे से टकरा गई, अन्य गाड़ी से टकरा गई या पलट गई और उसमें बैठे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो लोगों को ये एहसास कराना था कि आप इस चीज़ को समझें कि शराब पीकर और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने में आपका हाल कहीं उस गाड़ी जैसा ना हो। ये एक संदेश था लोगों के लिए और आशा करती हूँ यदि लोग समझें और इसमें दुर्घटनाओं में कमी आए तो हमारा यह प्रयास सफल हो सकेगा।